डिब्बा अंदर है. आइए भैया. आई थिंक टेक दिस. जस्ट टेक इट वंस. ओके कैरी ऑन. आओ मैनेजर साहब. सर मिस्टर मणि आर न्यू मार्केटिंग मैनेजर एंड हिज ब्रदर मिस्टर महेश और ये हैं डॉक्टर सुब्रमण्यम हमारे साइंटिस्ट. क्या मतलब? साइंटिस्ट यानी वैज्ञानिक. ओह वैज्ञानिक है ये. वैज्ञानिक है भाई. आज तक वैज्ञानिक वैज्ञानिक बहुत सुना था. आज मुलाकात भी हो गई मेरी. ये वही वैज्ञानिक है ना जो गांजे से कैंसर की दवा. भैया धीरे से. हमारे सीक्रेट फॉर्मूला के बारे में कोई नहीं जानता. ओह वैज्ञानिक ऐसे होते हैं. सर की बुद्धि बहुत तेज है इसीलिए इनके बाल सफेद हो गए. मणि सुनना. तेरा कैबिन उस साइड है. जो यस सर प्लीज टेक हिम. प्लीज कम विद मी. चाहिए भैया. दिस वे. आइए भैया. मणि तू यहाँ बैठेगा? हाँ भैया. मणि लिखा है ना इस पर? भैया इस पे मार्केटिंग मैनेजर लिखा है. अच्छा हुआ यहाँ कोई और नहीं आया हमारे साथ. मणि तो उस घूमने वाली कुर्सी में जाकर बैठ. मैं देखना चाहता हूँ. आशीर्वाद. अरे क्या क्या कर रहा है? ये सब आपकी वजह से हुआ भैया. मेरे लिए तो आप भगवान से कम नहीं है. तू वहां जाकर बैठ. अब मैं मुझे मुझे जाना चाहिए यहां से. दादा ने बुलावा भेजा था. हाँ आ जाओ आ जाओ. आओ महेश्वर बैठो. नहीं नहीं मैं बस ऐसे ठीक हूं. महाराज महेश्वर का गिलास भर दो. नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए. अरे क्यों भाई तुम पीते नहीं? पीता हूँ. ड्रिंकिंग ना सर फुल ड्रिंकिंग. थोड़ा फीलिंग शाइन आओ. हद से तिगुना पी लेंगे फिर भी भाई एकदम स्टेडी रहेंगे. भाई फ्री की महंगी शराबें पियो. ओनली इन वन ब्रेथ. तो महेश्वर तुम इन्हें जानते हो? सुना तो होगा इनके बारे में. रैम्बो. रैम्बो जरा होल्डिंग इट. फिर अपन को तो कभी देखा नहीं. आप उनके मौसेरे भाई लगते हो. मेरा तो जीवन सफल हो गया. एक बार मुझे किसी दे दो. तुम्हारी शेर दिली के बहुत चर्चे सुने हैं मैंने. महेश भैया जानते हैं रैम्बो इतनी दूर से डैडी से मिलने क्यों आए? रैम्बो को आपकी मदद की जरूरत है. इनका कहना है कि तुम ही इनकी मदद कर सकते हो. रामपुर जंगल का रेंजर रघुवीर उसे कितना भी पैसा दो सारामी का पेट का भी नहीं भरता. उसने मेरा 4 करोड़ का माल फंसा के रखा है. किस तरह का माल? चंदन. मेरे माल पे उसने अपना हक जमा रखा है. 24 घंटे ऑफिसर्स का पहरा लगा दिया है और उसने ऑर्डर दे दिया है कि अगर मैं गया तो देखते हैं गोली मार दे. मैं खुद अपना माल नहीं ला सकता लेकिन मैं जानता हूँ कि ये काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो. लेकिन इस काम की कीमत देनी पड़ेगी. आज के बाद तुम्हें गांजा हमारे घर तक पहुंचाना पड़ेगा. मंजूर? महेश भैया के लिए तो बाएं हाथ का खेल है. नहीं है क्या? नहीं है. अब तक मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया मगर मैं आपको ना नहीं बोल सकता. कोशिश करूंगा. इसके लिए मामा की जरूरत पड़ेगी. तैयार हो जाओ. मामा माँ
मार्केट में इसकी कीमत 4 करोड़ है सेठ जी, आप मुझे 2 करोड़ ही दे दो। अरे इतना क्या सोच रहे हो, माल चेक पोस्ट से बाहर निकालना मेरा काम है, वो हो जाएगा। हेलो प्रताप, क्या हुआ साहब? अरे हमारी चंदन की लकड़ियां गायब है, जानता हूँ मैं, ये उस रैम्बो का काम है। सर्च एवरीवेयर सर, पूरा जंगल छान मारो, एक एक चेक पोस्ट को अलर्ट करो सर, माल जंगल से बाहर निकलना ही नहीं चाहिए, समझे? ये अभी अभी खबर मिली है कि चेकिंग डबल हो गई है, उस ऑफिसर को खूब मिर्ची लग गई है, उसके लोग पूरे जंगल में तैनात हैं भैया, माल चेक पोस्ट से निकालने के लिए कुछ तगड़ा सोचना पड़ेगा। सबके आगे उसका नाम हे ईश्वर हे भगवान, सबके आगे उसका नाम हे ईश्वर हे भगवान, सबके आगे उसका नाम। आज कोई त्योहार है? हाँ भैया है ना, आज गुड फ्राइडे है और ये लोग जुलूस निकालते हैं। फिर घबराने की क्या बात है, अब तो ईश्वर ही हमें रास्ता दिखाएगा। सब कुछ है देता तू ही, सबका है दाता तू, धरती अंबर तारे सब हैं तेरे होने से। साहब हमारे कुछ लोग यहाँ से अभी गए क्या, उन्हें यह रास्ता ठीक से मालूम नहीं है, कहीं हाँ, वो लोग अभी तो निकले हैं वो सब यहाँ से। साहब इसमें कुछ पैसे डाल देना, ईश्वर भला करेगा, कोई कोई बुरा साया होगा तो टल जाएगा, वैसे मर्जी आपकी, डालना हो तो डालिए। ये लो। अरे 500 रुपए, बहुत बड़ा दिल है आपका तो। खोल दो, जाने दो। तू ही तो एक सच्चा है ईश्वर मेरे। मजा आ गया, उस पुलिस वाले को मामो बना दिया। चंदन की लकड़ियों को काटकर उनका क्रॉस बना दिया, टामर लगाकर रंग बदल दिया, साथ में अगरबत्ती लगाकर चंदन की सुगंध को दबा दिया। वाह भैया। दादा हीरा है ये शेर, इसे अपने दिल से लगा के रहना, ऐसा हीरा तो लाखों में एक होता है। क्या मजाक कर रहे हो साहब? महेश्वर हमारा कुछ माल स्टेट बॉर्डर पर पड़ा हुआ है, मैं चाहता हूँ तुम जल्द से जल्द वो माल निकाल लाओ, काम जोखिम भरा है पर मैं जानता हूँ तुम ये काम कर लोगे ना? अरे धीरे धीरे नहीं तो दहाड़ेगी वो। गुड नाइट भैया। चलो भाई। माना मैना अंदर है क्या? क्या मैना मेरी पत्नी अंदर है क्या? मैं ही हूँ मैना। ये क्या हो गया तुझे? आपका ये रूप देखकर लगा कि बगल वाली जूली चुड़ैल बनकर आ गई। अरे चुप, जूली से अच्छा लुकिंग मैना। अरे चक्की के लिए नया ड्रेस और खिलौना कौन लेकर आया? जूली आंटी ब्रिंगिंग। चाचा लाए हैं। हाँ मणि चाचा। भैया मणि, आज मुझे मेरी पहली सैलरी मिली, मैंने आपके लिए कपड़े खरीदे हैं। मामा मेरा मणि मेरे लिए नए नए कपड़े लेकर आया है। मैं ना तू भी बड़ा हो गया। मामा आपके लिए शर्ट का कपड़ा लाया, आपकी साइज का रेडीमेड शर्ट मिला ही नहीं, इसमें मामी और बच्चों के लिए भी कपड़े हैं। एक्सक्यूज मी, नथिंग ब्रिंगिंग फॉर मी, ऐसा हो सकता है क्या? तुम्हारे लिए ये लाया। हाउ स्वीटी ऑफ यू, थैंक यू। अरे क्या कर रहे हो, ये तो बॉडी स्प्रे है, न्यू ब्रांडिंग, इसे बॉडी पे लगाते हैं ऐसे। अरे बॉडी पे लगाएंगे तो पिएंगे कब? चलो इस पे ट्राई करके देखता हूँ। अबे क्या कर रहे नालायक? 15 दिन नो बाथिंग स्मेल गोइंग। मामा बोल रहा है तू? अरे आ ना मामा, ये देखो हमारी जोड़ी एकदम नई लग रही है ना, जैसे अभी अभी शादी हुई हो। और ये कमीज कैसी लग रही है? जूली का फेवरेट कलर है चमल। अरे भाई जंगल वाले ड्रेस में यू गुड लुकिंग, नॉट इन दिस। क्या हुआ मामा? भांजे मैं गांव वापस जाना चाहता हूँ। क्यों मामा, इतनी जल्दी क्यों है? उस बुढ़िया की गाली सुने बगैर आपको नींद नहीं आती क्या? वो बात नहीं है यार,
बच्चों से मिलने का मन कर रहा है। बच्चों से मिलने का या उनकी संख्या बढ़ाने का? क्यों, तेरा मन नहीं होता कि गांव लौट जाए? बिल्कुल होता है, आखिर हम उसी मिट्टी में तो पैदा हुए थे। मगर ये केस वेस भी तो टल जाना चाहिए ना मामा। वैसे दादा ने कहा है कि वो सब सुलझा देंगे। हाँ बस बस यही रोक दे। मणि अब तो जा यहाँ से, काम पर भी तो जाना है ना। अच्छा, मैं चला जाऊंगा यहाँ से। क्या हुआ दिवाकर साहब के साथ? सब बाग का किया धरा है, अब महेश्वर नहीं है तो हमारी रक्षा कौन करेगा? दिवाकर साहब भी बाघ का शिकार बन गए। नया रेंजर आया था सरकार की तरफ से, उसी के साथ गए थे वो। सर, महेश्वर आने के बाद यहाँ आते तो अच्छा होता। महेश्वर के चमचे ज्यादा बकवास मत कर, सरकार ने बाघ को पकड़ने का काम मुझे सौंपा है, चल ढूंढ उसे। सब लोग यही दुआ कर रहे हैं कि कब महेश्वर वापस आ जावे। बलराम कहाँ है वो? उसे वापस लाना ही होगा। मुझे नहीं पता, कोई खबर नहीं मिली। वो जरूर आएगा अपने लोगों का दुख दूर करने, उसे आना ही होगा। महेश्वर मैं जानता हूं तुम बहुत परेशान हो, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूं। मैं खुद भी बड़ी तकलीफ में हूं, लेकिन मैं वादा करता हूं तुम्हारे भाई को लेकर आऊंगा। ऐसा तो नहीं कि किसी फॉरेस्ट ऑफिसर ने तुमसे बदला लेने की कोशिश की है, क्योंकि तुम्हारा भाई गांव से अगवा हुआ है। डैडी अभी अभी खबर मिली है कि ममलापुर के एक वर्कशॉप में मणि को बांध के रखा है, हमारे खबरियों ने यह बात बताई है।
इसका मतलब ये काम उस नीच कादर का है। फिर तो कादर ने अपनी बेइज्जती का बदला लिया है, क्योंकि महेश्वर ने उसे मारा था, उसी का हिसाब वो इसके भाई से ले रहा है। महाराज तुम अपने सारे आदमियों को बुला लो, मुझे हर हाल में इसके भाई को लाना है। नहीं, वहां मैं अकेला जाऊंगा, उनकी दुश्मनी मुझसे है तो वहां सिर्फ और सिर्फ मैं ही जाऊंगा। अरे आओ 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 महेश्वर, तुमसे मिलना था इसलिए तुम्हारे भाई को उठाकर यहां पर लेकर आए। मेरे भाई को छोड़ दीजिए, आपको जो पूछना है मुझसे पूछिए। ठीक है, सुना है तुमने बहुत तरक्की कर ली, अब आजकल गांजे के ट्रक तुम पुलिस वाले और फॉरेस्ट गार्ड के आंखों से बचकर निकाल लेते हो, हैं? बैठो यार, बैठो ना। देखो महेश्वर, मानता हूँ कि ये सब तुमने अपने भाई की खातिर किया, फिर मैं इसे कैसे छोड़ दूँ, हैं? पानी पियोगे? मणि ने आज तक कुछ भी गलत नहीं किया, ये बहुत भोला है। चलो मान लेता हूँ कि ये बहुत भोला है, और तुम? तुम तो आजकल उस गिरिराज का दाहिना हाथ बन चुके हो, है ना? तो बस उसके बारे में क्या क्या जानते हो ये बताओ। पिछले 14 महीनों से मैं उसके पीछे दौड़ रहा हूँ कुत्तों की तरह। मंगलपुर का एक छोटा सा गुंडा आज एक बहुत बड़ा डॉन बन चुका है, और गिरिराज फार्मेसी के नाम से गोरख धंधे चला रखे हैं, क्या तुम जानते हो? आयुर्वेदिक फैक्ट्री के नाम पर वो धड़ल्ले से गांजे का बिजनेस चला रहा है, बड़े हाई क्वालिटी की हैश बनाता है। आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स के नाम पर देश विदेश में उसका गांजा बहुत सप्लाई भी होता है, बड़े बड़े इंटरनेशनल मार्केट्स टाइप कर रखे हैं इस गिरिजा फार्मेसी ने। और उस कंपनी का मार्केटिंग मैनेजर कौन है? तुम्हारा ये होनहार भाई। मुझे ये सब तो मालूम नहीं है साहब, ये लोग कैंसर की दवा बना रहे हैं ऐसा मुझसे कहा गया था। कैंसर की दवा? सच में? देखो MBA पास तुम्हारे भाई मनी को भी उन्होंने क्या पट्टी पढ़ाई, और वो भी उनकी चंगुल में फंस गया। जब मैं गांव आया था तब उन्होंने भी तुमसे यही कहा होगा कि मैं तुम्हें पकड़ने आया हूँ। उन्होंने तुमसे झूठ बोला ताकि तुम फंस जाओ और उनका काम करो। दरअसल मैं वहाँ उस गांजा बेचने वाले रैम्बो का पीछे करते हुए आया था। अब अगर मैं ये केस फाइल करता हूँ तो नो जमानत, ना तुम्हें ना तुम्हारे भाई को। मैं तुम्हें बचा सकता हूँ लेकिन तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी। ये दादागिरी राज की आयुर्वेदिक फैक्ट्री में जो काला धंधा चल रहा है इसका कोई सबूत नहीं है मेरे पास। तुम सबूत लाकर दोगे तो छूट जाओगे, फिर सिर्फ वही नहीं उसके साथ उसके सारे साथी भी पकड़े जाएंगे, और ये काम तुम्हारा भाई आसानी से कर सकता है। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अगर तुम ये कर दो तो ना तुम्हारा ना तुम्हारे भाई का नाम इस केस में आएगा।